सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अपने संकल्प में जो रिट टेस्ट सीरीज 4.0 जो अपने हुई थी, उसका जो पहला टेस्ट था उसकी आंसर की आपके लिए संकल्प टीम लेकर आई है। जिसने भी अभी तक संकल्प की नई टेस्ट सीरीज 4.0 ज्वाइन नहीं की है, वो ज्वाइन जरूर कर ले। में एक महीने के अंदर अंदर रिट का पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है 14 टेस्टों के अंदर। शानदार टेस्ट सीरीज है। तो ज्यादा अधिक जानकारी के लिए संकल्प कोचिंग 9875 75 725 पर कॉन्टेक्ट करें और रिट की नई टेस्ट सीरीज 4.0 जरूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न आपके सामने था, तीन कथन लिखे हुए हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। अब पहले तो प्रश्नों में इस चीज को ढंग से देख लिया करो कि कथन बताने कौन से होते हैं, सत्य या असत्य। तो असत्य कथन बताने हैं। अब कथन क्या क्या है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 23 नहीं है, सीमावर्ती जिलों की संख्या अपने राजस्थान में 25 है, जो बाहरी जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर का भाग अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर से कम है, तो ये भी सही है। यानी कि असत्य कथन यहां पर केवल कौन सा होगा, केवल दो होगा, क्योंकि सीमावर्ती जिले अपने कितने हैं, 25 है। तो पहले का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दो रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। अब सत्य कथन बताना है, राजस्थान गुजरात राज्य के साथ 1062 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नहीं जी, राजस्थान प्लस गुजरात की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर है। राजस्थान हरियाणा के साथ 1528 किलोमीटर, नहीं जी, राजस्थान हरियाणा सीमा की जो लंबाई है वो 1262 किलोमीटर है। बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा नहीं करता, जबकि ये करता है, मतलब ये भी गलत है। श्री गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा साझा करता है, ये यहाँ पर सही है। गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय भी दोनों प्रकार की सीमा को साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ। तो कथन नंबर चार जो है वो इसका सत्य है, वो इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, पश्चिम से पूरब की ओर चलना है, पश्चिम से पूरब की ओर जो है, पश्चिम से पूरब की ओर जिलों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए, जैसे पहला मान लो यहां पर जिला आ जाएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद अगर अपने बात करें तो जोधपुर के बाद में आता है अजमेर, जोधपुर के बाद में अजमेर है, अजमेर के बाद में लगभग यहां पर आ जाएगा बूंदी, बूंदी के बाद में है दौसा और दौसा के बाद में आता है भरतपुर। यानी कि 1 2 5 3 4 ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों को व्यवस्थित क्रम में सेट करना है, तो ऑप्शन नंबर तीन सही उत्तर रहेगा, क्योंकि जोधपुर, जोधपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद लगभग बूंदी, बूंदी के बाद लगभग दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर। नेक्स्ट, सिरोही जिले का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिरोही जिले का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है कि सिरोही जिले का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। सिरोही में आप जानते हो सिरोही के अंदर एक अभ्यारण्य का नाम आता है माउंट आबू अभ्यारण्य, कौन सा, माउंट आबू अभ्यारण्य। और माउंट आबू अभ्यारण्य का मुख्य जो जीव है वो जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे हैं, जबकि अपने राज्य में जंगली जो भेड़िया है, जंगली जो भेड़िया है ये कुंभलगढ़ का मुख्य जीव है, कुंभलगढ़ जो पाली राजमद उदयपुर में फैला हुआ है। तो माउंट आबू सिरोही में वहां का मुख्य जीव जंगली मुर्गे हैं, तो सिरोही का शुभंकर भी क्या होगा, जंगली मुर्गे होगा, सिरोही का शुभंकर भी क्या होगा, जंगली मुर्गा। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म की पहचान करो। जिला और आकृति है, उदयपुर की आकृति श्रीलंका जैसी है, पहला ही असत्य हो गया। तो उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। उदयपुर संभाग की आकृति जो है ना वो श्रीलंका जैसी है, जबकि उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। जैसलमेर अनियमित बहुभुज जैसी है, सही है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है और दौसा की आकृति धनुषाकार है, और दौसा खरगोश सा है ना,
संजय जी आपको याद करवाते कि दोसा का शुभंकर क्या है, तो खरगोश है, आकृति धनुषाकार है, तो पहला इसका यहाँ पर असंगत रहेगा। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जो भी साथी लाइव है क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। 4.0 रीट की टेस्ट सीरीज की सॉल्यूशन की है। तिलक के समान आकृति है। देखो हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो अंग्रेजी के अक्षर एल के समान है, या आपने ये कह सकते हैं कुर्सी या सोफे जैसी है, कुर्सी या सोफे जैसी आकृति है। राजसमंद जिले की आकृति तिलकनुमा है। भरतपुर जिले की आकृति गिलहरीनुमा है। गिलहरीनुमा आकृति का जिला भरतपुर है। और दोसा की आकृति कैसी है, तो धनुषाकार है। दोसा की आकृति कैसी है, तो धनुषाकार है। एक नंबर, दो नंबर ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाजपुर का संस्थापक कौन था? जन्मेजय, हरिश्चंद्र, अजय राज, पांडव। जहाजपुर का जो संस्थापक है वो आपको बताना है कौन सा। अच्छा प्रश्न है, संस्थापक में से पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा जहाजपुर का संस्थापक जन्मेजय है। जहाजपुर का संस्थापक कौन था? जन्मेजय था। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जो भी साथी लाइव है क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि ऑप्शन के आधार पर जल्दबाजी में स्टूडेंट गड़बड़ करेगा। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सोच विचार करके उत्तर देना। 342 वर्ग मील नहीं जी, 132 वर्ग किलोमीटर नहीं जी, 132 वर्ग मील या 139 वर्ग मील। अब देखिए ऑप्शन जो है वो जल्दबाजी में गड़बड़ होते हैं। राजस्थान का सही क्षेत्रफल 132 वर्ग मील है, जबकि 342 वर्ग किलोमीटर है। तो सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 132 वर्ग मील है। किलोमीटर कितना है? तो 342 वर्ग किलोमीटर होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहां पर वर्ग मील है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, असंगत है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग उदयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर है। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। कौन सा है जो असंगत है वो आपको यहां पर बताना है। हाँ जी, हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम जी। देखो राज्य में सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है ना वो कोटा है। ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा है, उदयपुर नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुण्य शुरुआत कब हुई थी? देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की प्रथम बार शुरुआत जो हुई थी वो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के सरकार के द्वारा पहली बार संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। फिर 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। और 26 जनवरी 1987 को जो है वो हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा राजस्थान में इस संभागीय व्यवस्था की पुण्य शुरुआत की गई थी। तो संभागीय व्यवस्था की पुण्य शुरुआत जो है वो 1987 में हुई थी, 26 जनवरी 1987। 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को अपने राजस्थान में बंद कर दिया गया था। पहली बार इसकी शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री की सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। पुण्य शुरुआत 26 जनवरी 1987 को हुई थी। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा जो है इस व्यवस्था को अपने राजस्थान में दोबारा से लागू किया गया था। तो ये कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न थे। आगे हिस्ट्री के प्रश्न सर लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिएगा लाइव। बाकी रिट का क्रेश कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन बैच अपना स्टार्ट होने जा रहा है कल। टाइमिंग 9:00 की है। तो रिट क्रेश कोर्स है, मात्र 30 से 40 दिनों के अंदर रिट का जीके का पोर्शन आपको कंप्लीट पूरा करवाया जाएगा ना मात्र फीस के अंदर। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आज ही अपना कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच कल से 9:00 अपने प्रारंभ होने जा रहे हैं। और रिट की टेस्ट सीरीज 4.0 स्टार्ट हो चुकी है। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं की है ज्वाइन जरूर कर लेना। शानदार जानदार तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है। 1 महीने में रिट का पूरा सिलेबस जो है वो इसमें आपको कवर करवाया जाएगा। तो बाकी बने रहिएगा, आगे हिस्ट्री के प्रश्न है। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो अपने टेस्ट सीरीज जो 4.0 है, इसका इतिहास के जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे।
और आपका जो प्रश्न है वो सैंधव सभ्यता के किस तल, सैंधव सभ्यता के किस तल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है कालीबंगा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्थल है जहां से हमें जूते हुए खेतों के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। देखिएगा हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था। हड़प्पा जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था, जिसकी खोज 1921 के अंदर हुई थी, 1921 के अंदर जिसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। और जो हड़प्पा स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा स्थल आपका रावी नदी के किनारे हो जाएगा, कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, रावी नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ये दूसरा जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा जो स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो जो है ये कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी जो खोज है ये 1922 के अंदर, 1922 के अंदर किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी जो है इसके द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता जो है ये हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, जिसकी खोज दयाराम शाहनी के द्वारा की गई, दयाराम शाहनी के द्वारा जिसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और उसके बाद में राखीगढ़ी जो स्थान है ये आपका पड़ता है हिसार, और हिसार जो स्थान है ये कहाँ पे है, हरियाणा में, कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर। और इसमें पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, तो आपका सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, कौन सा, कालीबंगा हो जाएगा। तो कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां होता है, कौन सा होता है, तो काले रंग की चूड़ियां होता है। और जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष ने की, अमलानंद घोष ने की थी, किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष जो था इसने कालीबंगा सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। और ये अपने हनुमानगढ़ जिले में, कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, कौन सी नदी के किनारे, तो गग्गर नदी के किनारे, कौन सी, गग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता या कौन सा स्थल जो है वो खोजा गया था, तो कालीबंगा स्थल खोजा गया था। ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित होती है, गग्गर नदी के किनारे विकसित होती है। गग्गर नदी को सरस्वती, द्वेशवती, मर्त नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है, श्रोत्र नदी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में इसको नाली के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है, जो उदयपुर जिले की वल्लभ नगर, वल्लभ नगर तहसील में स्थित है, उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के अंदर स्थित है, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर ए है बालाथल, ऑप्शन नंबर बी है आहड़, ऑप्शन नंबर सी बदर और ऑप्शन नंबर डी तो अकबरपुर। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि ये जो दोनों स्थल है ये कहाँ पे है, उदयपुर में, कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। ये जो बालाथल और बालाथल के अलावा जो आहड़ है ये दोनों ही आपके कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। बालाथल जो सभ्यता है, इस बालाथल सभ्यता से हमें क्या मिला है, तो बालाथल सभ्यता से आप ध्यान रखना कपड़े के आभूषण मिले, कपड़े के आभूषण मिले हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखना कपड़े के क्या मिले हैं, यहाँ पर आभूषण मिले हैं कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो बालाथल सभ्यता से कौन से आभूषण मिले हैं, कपड़े के आभूषण मिले हैं। और साथ में यहां से लोहे के औजार मिले हैं, कौन से औजार मिले हैं, तो लोहे के औजार मिले हैं, लोहे के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। और साथ में लोहा गलाने वाली क्या मिली है, भट्टी मिली है, लोहा गलाने वाली क्या मिली है, भट्टी मिली है, कहां से मिली है, बालाथल सभ्यता से मिली है। और बैसे बालाथल, और बैसे बालाथल सभ्यता जो है इसकी खोज वी एन मिश्र ने की थी, किसने की थी, वी एन मिश्र ने की थी, 1965-63 के अंदर बालाथल सभ्यता जो है इसकी क्या होती है, खोज होती है। और इसका जो उत्खनन था बालाथल सभ्यता का, ये आपका 1993 के अंदर होता है, 1993 के अंदर इसका क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। और इसका उत्खनन जो है वो डॉक्टर ललित पांडे, ललित पांडे
और आर के मोहंते ने किया था। आर के मोहंते जो है उन्होंने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। और जो आहड़ सभ्यता है, ये आहड़ सभ्यता भी कहाँ पे है, उदयपुर में। आहड़ सभ्यता भी कहाँ पे है, उदयपुर में है। ये बलथ जो सभ्यता है ये भी आपकी उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, कौन से जिले में, उदयपुर जिले में, जिसकी खोज 1953 में होती है। और आहड़ से अक्षय कीर्ति व्यास जो था, इसने आहड़ सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। और इस आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है ये 1956 के अंदर इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आरसी अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र जो अग्रवाल थे इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है, तो उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बालाथल हो जाएगा, कौन सा, बालाथल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैली उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है, इसमें दिया गया है विराट दयाराम शाहनी, ये सही है, बिल्कुल सम्मिलित है। आहड़ एपी जैन ये सही नहीं है। आहड़ सभ्यता का मैंने आपको अभी बताया, आहड़ सभ्यता जो है, इस आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और आहड़ सभ्यता जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष, ये भी सही है। बागौर वी एन मिश्र, ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसका जो आपका इसमें पूछा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आहड़ जो है इसकी खोज जो है वो तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल 1951-52 में अमलानंद घोष किसकी खोज करते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज करते हैं। अमलानंद घोष ने 1953 में लगभग 2000 हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर से खोजे थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। कालीबंगा में अस्थि रहित खदान जो है वो नहीं मिले हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये इसमें आपका गलत हो जाएगा। और साथ में इसमें क्या दिया है कि कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है, ये भी बात इसकी सही है। तो कालीबंगा है, कालीबंगा में अस्थि रहित जो अपना खाद्यान्न नहीं मिले हैं, तो इसका सही तो ये पूछ तो क्या रहा है, इसमें ये पूछा गया है कि अस्थि रहित तो यहाँ से अपने को जो कलश टाइप का जो होता है जिसके अंदर शवाधान के बारे में ये पूछ रहा है। जैसे कालीबंगा के अंदर तीन प्रकार से क्या किए जाते थे, शवाधान किए जाते, जैसे एक तो होता है आंशिक शवाधान, क्या होता है, आंशिक शवाधान, और एक कलश शवाधान होता है, क्या होता है, कलश शवाधान होता है, और एक क्या होता है, पूर्ण शवाधान होता है, क्या होता है, पूर्ण शवाधान होता है। और जो कलश शवाधान है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, कलश शवाधान का सर्वाधिक क्या किया जाता था, प्रयोग इसके अंदर जो है वो किया जाता था, कौन से शवाधान का, तो कलश शवाधान का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो किया जाता था। और इसके अंदर क्या होता कि पहले दफना यानी जलाया जाता है, उसकी जो राख होती है उसको कलश के अंदर डालकर उसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है वह है हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, आहड़, कालीबंगा, विराट और गणेश्वर। इसने पूछा है कि भूकंप जैसी, देखिएगा इसमें जो कालीबंगा सभ्यता है, ये कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो मकान मिले हैं, इन मकानों की जो दीवार है, इन दीवार के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, दरार देखने को, और दरार हमें किसका संकेत देती है, भूकंप का। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था, खेजड़ली हत्याकांड 30 सितंबर, 18 सितंबर, 12 सितंबर और 18 नवंबर। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो 12 सितंबर हो जाएगा। खेजड़ली हत्याकांड का पूछा है, 12 सितंबर 1730 की घटना है। इस समय मारवाड़ के जो राजा थे जिनका नाम था अभय सिंह, और अभय सिंह ने अपने हकीम जिसका नाम था गिरधर दास,
इस गिरधरदास को खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए भेजा था और यह घटना 12 सितंबर 1730 की है। यहाँ पर 363 लोग जो थे वो खेजड़ी के वृक्ष के चिपक कर अपनी जान दे देते हैं और यह गिरधरदास था, इसने खेजड़ी के वृक्षों के साथ में इन सभी लोगों को काट दिया था और इसे राजस्थान में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, चिपको आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई थी, राणा सांगा जो है इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, पहला ऑप्शन बसवा है, दूसरा इरीच है, तीसरा कालपी है, चौथा कौन सा है, मांडलगढ़ है। ठीक ना, बसवा दोसा के अंदर राणा सांगा को किसने पहुंचाया था, मालदेव ने पहुंचाया और बसवा में राणा सांगा का क्या बनाया गया है, चबूतरा बना है। इरीच में राणा सांगा को जहर दिया गया था राणा सांगा के सामंतों के द्वारा, राणा सांगा को जहर कहां पे दिया गया, इरीच में। कालपी, कालपी जो यूपी में स्थान है यहां पर राणा सांगा जो था इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है, कालपी के अंदर मृत्यु होती है और मांडलगढ़ में राणा सांगा जो है इसको दफनाया गया था और मांडलगढ़ में राणा सांगा की कितने खम्भों की छतरी है, 8 खम्भों की छतरी है और इस 8 खम्भों की छतरी का निर्माण भरतपुर के अशोक परमार ने करवाया, अशोक परमार ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया। तो राणा सांगा की मृत्यु कहां पे होगी, कालपी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, 1437, 1443, 1517 और 1428। 1437 में कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। इसमें एक तरफ तो थे महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ इसमें कौन हो जाएंगे, तो सारंगपुर के युद्ध में हो जाएंगे महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम जो मालवा के थे और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था। और 1443 जो है, इस 1443 के अंदर महमूद खिलजी जो है ये कहां पर आक्रमण करता है, मांडलगढ़ पर आक्रमण करता है। किसने किया था मांडलगढ़ पर आक्रमण, तो महमूद खिलजी प्रथम ने, और कब किया था, 1443 में। 1517 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1517 में खातोली का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1517 में। और 1428 में कौन सा युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध हुआ था। इसका सही जो उत्तर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 1437। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राती घाटी के युद्ध में राव जैत सिंह ने किसको हराया था, राती घाटी का युद्ध 1534 में होता है और 1534 में राती घाटी के युद्ध में वीरमदेव, कामरान, सुजा और मालदेव इनमें से किसको हराया था, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कामरान हो जाएगा। राती घाटी के युद्ध में किसको हराया था, कामरान को हराया था। ये राती घाटी का युद्ध 1534 में होता है, ये जो कामरान था इसने सबसे पहले तो बटनेर पर आक्रमण किया था और इस समय बटनेर के जो किलेदार थे जिनका नाम था खेत सिंह है, और खेत सिंह को हराकर बटनेर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में ये कामरान किसकी ओर बड़ा था, बीकानेर की ओर बड़ा था और बीकानेर के राजा राव जैत सिंह थे और राव जैत सिंह जो है, इस राव जैत सिंह ने कामरान के साथ में कौन सा युद्ध किया था, राती घाटी का युद्ध किया था जिसमें जैत सिंह की विजय होती है और इसकी जानकारी बिट्टू सुजा का एक ग्रंथ आता है और बिट्टू सुजा के उस ग्रंथ का नाम था राव जैत सिरो छंद, राव जैत सिरो। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह 1913 में कहां पर हुआ था, डूंगरपुर के अंदर हुआ था कि इडर के अंदर हुआ था कि मानगढ़ के अंदर हुआ था या कुशलगढ़ में हुआ था, तो आपका इसका सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, मानगढ़ हो जाएगा। 1913 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहां पर ये विद्रोह हुआ था और मेवाड़ सरकार की जो मेवाड़ सरकार थी इसने यहां पर भीलों के ऊपर क्या चला दी थी, गोलियां, और यहां पर कितने लोग मारे गए थे, तो 1500 लोग जो थे वो मारे गए थे, जिनके लिए मानगढ़ में शहीदों की याद में क्या बनाया गया है, तो मानगढ़ में शहीदों का चबूतरा बना है, क्या बना है, चबूतरा बना है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को क्या लगता है, मानगढ़ धाम का मेला लगता है। अगला प्रश्न क्या है, तो ये कल्चर के प्रश्न आ गए हैं और ये आपको कल्चर वाले गुरुजी करवाएंगे, धन्यवाद। नमस्कार सभी को, अपने सीरीज जो स्टार्ट थी 4.0 उसका अपने सॉल्यूशन लेकर आए, कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। इसमें गोला बारूद खत्म होने पर शत्रु सेना पर चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, चूरू का किला माना जाता है, शिवाना का किला है, बटनेर का किला, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ध्यान रखना चूरू का किला माना जाता है। चूरू का जो किला है इसका निर्माण ध्यान रखना ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया गया था, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। शिवाना का जो किला है इस किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, किसने करवाया था, वीर नारायण पंवार के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। जबकि बटनेर का जो किला है इस किले का निर्माण राजा भूपत भाटी ने करवाया था, राजा भूपत भाटी ने करवाया था।
बाड़मेर का जो दुर्ग है ये ध्यान रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, सबसे प्राचीन जो किला है वो कौन सा माना जाता है, बाड़मेर के किले को माना जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन रहा ये, मैंने क्रेमलिन में कुछ देखा है, मैंने क्रेमलिन में कुछ देखा है और अल बर्मा के बारे में कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर यह महल है, विशव हेबर का यह कथन किन महलों के लिए था, किन महलों के लिए था, आमेर के महलों के लिए था, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है, मेहरानगढ़ है, तो ध्यान रखना इसने आमेर के महलों के लिए कहा था। आमेर जो दुर्ग है ये कहां पर स्थित है, अपने जयपुर के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना कि अबुल जो फजल है, इस अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी जो है जमीन पर गिर जाती है। तो अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। किस किले के लिए कहा गया है, तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ के लिए। तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो है, एक बूंदी के अंदर है और एक अपने कहां पर है, अजमेर में स्थित है। कहां पर है, अजमेर में। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये कहां पर स्थित है, अपने जोधपुर में स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ये राव जोधा ने करवाया था, किसने करवाया था, राव जोधा ने, जबकि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था। और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण ध्यान रखना कि बर सिंह हाड़ा ने करवाया। और आमेर किले का जो निर्माण है, ये आमेर दुर्ग का जो निर्माण है ये ध्यान रखना कि मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण है ये राणा कुंभा ने करवाया था, किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से असंगत युग में पंसारी हवेली, सीकर, भामाशाह हवेली, सीकर, नटनियों की हवेली, पाली, मुंदड़ा की हवेली, बीकानेर, तो भामाशाह हवेली है। भामाशाह हवेली जो है ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है, तो भामाशाह हवेली सीकर में नहीं है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, ईशदास मोदी की हवेली स्थित है झुंझुनू में, महनसर है, मंडावा है, रामगढ़ है, कहां पर स्थित है, ईशदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है, अपने झुंझुनू के अंदर स्थित है, कहां पर है, झुंझुनू में। महनसर जो है, महनसर की जो हवेली है इसे ध्यान रखना कि सोने चांदी की हवेली कहा जाता है। महनसर की हवेली क्या कहा जाता है, सोने चांदी की हवेली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अपने ध्यान रखना कि एक झुंझुनू में नवलगढ़ नामक स्थान आता है, और नवलगढ़ नामक स्थान राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नवलगढ़ जो है ये ध्यान रखना कि शेखावटी जो क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र की स्वर्ण नगरी कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वर्ण नगरी कहलाता है। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, नवलगढ़ को कहा जाता है। निमन में से असत्य कथन है, सरदार सिंह ने 1899 में जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा बनाया था, क्या बनाया था, जसवंत थड़ा बनाया था। मिसर जी की छतरी जो है जयपुर में स्थित है। गोरा दह की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। ख्वाजा साहब का जन्म संजेरी फारस ईरान में हुआ। तो मिसर जी की जो छतरी है वो जयपुर में नहीं है, कहां पर है, अपने अलवर के अंदर है। ध्यान रखना कि नेड़ा की जो छतरी बोली जाती है, टहला की जो छतरी बोली जाती है, उसमें विशेष छतरी जो है वो कौन सी है, मिसर जी की छतरी है। ध्यान रखना कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है ये कहां पर, अपने अजमेर में है। ख्वाजा साहब की जो दरगाह वो कहां पर है, अजमेर में है। और ख्वाजा साहब का जन्म संजेरी फारस है ईरान के अंदर, ख्वाजा साहब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। किनको, ख्वाजा साहब को। अगर अपने बात करें तो नेड़ा की छतरी, नेड़ा या ध्यान रखना कि टहला की जो छतरी है, नेड़ा की छतरी या टहला की जो छतरी है ये अपने कहां पर है, अलवर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, अलवर में स्थित है। और जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जो बनाया जाता है जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, ताज महल कहा जाता है।
और जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहा जाता है, जबकि कांटल का ताजमहल कहा जाता है अबली मिनी के महल को, और सॉरी कांटल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को, और हाड़ोती का ताजमहल कहा जाता है अबली मिनी के महल को। ध्यान रखना कि हाड़ोती हाड़ोती का जो ताजमहल हाड़ोती का ताज महल जो है ये कौन सा है, अबली मिनी का महल, अबली मिनी का महल, अबली मिनी के महल को कहा जाता है, जबकि कांठल का तो ताजमहल, कांठल का जो ताजमहल, कांठल का ताजमहल जो है ये किस दरगाह को कहा जाता है, काका जी की, काका जी की दरगाह को कहा जाता है, काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो कहां पर है, प्रतापगढ़ में, और ये कहां पर अपने कोटा में है। नेक्स्ट है कागा की छतरी कहां स्थित है, तो कागा की छतरी ध्यान रखना जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है अपने। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्राह्मण देवता की छतरी है, ब्राह्मण देवता की छतरी है। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहाँ पर सिंघवियों की छतरी है, सिंघवियों की छतरी है, और सिंघवियों की जो छतरी है वो कितने खंभों की है, 20 खंभों की है, जबकि मामा भांजा की छतरी कितने खंभों की है, 10 खंभों की छतरी रहती है। जयपुर की जो छतरी है ये ध्यान रखना कि गेटौर की छतरियां रहती है, गेटौर की छतरियां रहती है, जो नाहरगढ़ दुर्ग के पास में है, कछुआ राजवंश की छतरियां मानी जाती है। उदयपुर के शासकों की जो छतरियां हैं वो ध्यान रखना कि आहड़ नामक स्थान पर है, ठीक, आहड़ नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है निमन में से असंगत युगम है, तालाब शाही धौलपुर में सही है, कडाना बांध बांसोड़ा में सही है, हेमावास बांध पाली में सही है, शाहीबाग जयपुर में नहीं है। शाहीबाग की अगर अपने बात करें तो शाहीबाग ध्यान रखना कि अपने दौलत बाग को कहा जाता है, दौलत बाग को कहा जाता है, दौलत बाग का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। इसी दौलत बाग को अपने वर्तमान में ध्यान रखना सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है तख्त हजारा नामक स्थल कहां पर है, नौहर राजगढ़ झुंझुनू गंगानगर, तो ये गंगानगर में स्थित है, और गंगानगर में ध्यान रखना सादुल शहर के अंदर स्थित है, कहां पर है, सादुल शहर। नेक्स्ट है कपूर सागर सरोवर स्थित है, चित्तौड़ दुर्ग में, जूनागढ़ में है, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ दुर्ग में है, तो कहां पर स्थित है, ये अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग के लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है, गढ़ाई है, किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। जूनागढ़ जो किला, इसे राती घाटी का किला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे राती घाटी का किला कहा जाता है। इस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। और अचलगढ़ दुर्ग कहां पर, अपने सिरोही में है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का यह कथन है किस किले के बारे में है, तो हसन निजामी ने यह कथन ध्यान रखना कि ताज उल मासिर में कहा था, किसमें कहा था, ताज उल मासिर के अंदर यह बात कही थी, किसने कही थी, हसन निजामी ने कही थी। और किस दुर्ग के लिए कहता है, जालौर दुर्ग के लिए कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि अगर इस दुर्ग तक पहुंचना है तो टांगे किसकी होनी चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए, किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है, गढ़ैया है। और तारागढ़ दुर्ग बूंदी के लिए कहा जाता है कि इस किले का निर्माण भूत व प्रेतों ने करवाया है। तो ये आपकी कला संस्कृति के क्वेश्चन थे। धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत। अमृता देवी के द्वारा खेजड़ी के वृक्षों के लिए बलिदान कब दिया गया, भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं, भाद्र शुक्ल पक्ष 9वीं, भाद्र शुक्ल पक्ष 8, भाद्र शुक्ल पक्ष 7, तो भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं। जोधपुर के खेजड़ली गांव में बलिदान हुआ था, मारवाड़ का शासक अभय सिंह था, और अमृता देवी के द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा जो है वो वृक्षों के लिए बलिदान दिया गया था भाद्र शुक्ला दशमी को। इसी दिन खेजड़ली गांव के अंदर विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला भी लगता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा, और रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा मिला था 1983 के अंदर, और रोहिड़े का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा का रंग कैसा होता है, तो गहरा केसरिया हिरमिच पीला, गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। और रोहिड़े को, और जो अपना राज्य वृक्ष है खेजड़ी प्रोसेपिस सिनरेरिया, इसको भी दर्जा कब का है, 1983 का है।
उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला वैज्ञानिक नाम तो है चिंकारे का, और चिंकारा एक एंटीलो प्रजाति का जीव है। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स गोडावन का वैज्ञानिक नाम है, और प्रोसेस्पिस सिनरेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है, और गोडावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, जो राजस्थान का राज्य पक्षी 1981 में दर्जा मिला था। नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से कहां का ऊंट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है? देखो ऊंट पालन केंद्र अगर अपने बात करें तो राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, एकाधिकार है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है, और राज्य में सबसे कम ऊंटों वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। तो सवारी के लिए गोमड़ फलोदी का जो ऊंट है वो प्रसिद्ध है, जबकि अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंट की जो नस्ल पाली जाती है वो बीकानेरी है। सर्वाधिक पाली जाने वाली नस्ल बीकानेरी है, जो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो नाचना या जैसलमेरी है, जो दौड़ प्लस सवारी दोनों के लिए प्रसिद्ध है, दौड़ प्लस सवारी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सवारी अकेला आ जाए तो गोमड़ फलोदी जोधपुर की जो नस्ल है वो फेमस है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चिंकारा जो है वो मरुभाग में सबसे ज्यादा है। कहां पर है? मरुभाग में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। तो ये ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न थे, बने रहिएगा आगे सर, आगे जो प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे देखो, ज्योग्राफी के कुछ बुक के प्रश्न जो है उनके ऊपर, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949, 30 अप्रैल 1949, 31 मार्च 1959, 31 मार्च 1950। तो पहली बार संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की है? 30 मार्च 1949, और किसके द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा, हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और आपको बताया था कि बाद में 1 अप्रैल 1962 को, 1 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को अपने राजस्थान में बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार ने इस व्यवस्था को अपने राजस्थान में पुनः लागू किया। हरिदेव जोशी की सरकार ने इस व्यवस्था को राजस्थान में दोबारा से लागू किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? देखो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कुल लंबाई अपने राजस्थान की 1070 किलोमीटर है। अगर इस सीमा पर अपने बात करें जिले कितने आते हैं, तो राजस्थान के 4 जिले आते हैं, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। और अगर बात करें कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के संभाग कितने आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 2 संभाग आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है बीकानेर संभाग और एक आता है जोधपुर संभाग। ये दोनों संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, और दोनों के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है, ठीक है, और छोटा फिर दो ही है, तो छोटा बीकानेर हो जाएगा। जबकि जिलों में क्षेत्रफल में बड़ा जैसलमेर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और छोटा जिला श्री गंगानगर है। नेक्स्ट, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अगर अपने राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो अपने राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है, लगभग अपने जानते हैं, पंजाब है जो राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर साझा करता है, हरियाणा है जो राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की साझा करता है, उत्तर प्रदेश है जो राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर साझा करता है, मध्य प्रदेश है जो राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर साझा करता है, और एक पड़ोसी राज्य अपना गुजरात है जो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो कौन सा नहीं होगा? बिहार नहीं होगा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला पंजाब है, मात्र 89 किलोमीटर। नेक्स्ट,
प्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्यावर अजमेर का क्षेत्र मालव, योधे, शेखावाटी, मेरवाड़ा। तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। शेखावाटी कौन सा है? शेखावाटी तो अपना है सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला क्षेत्र है। योधे श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। और मालव का दुआब, मालव का दुआब जो है ये घग्गर के दुआब को ही कहा जाता है। घग्गर नदी का जो दुआब है यानी कि घग्गर के आसपास का जो उपजाऊ प्रदेश है वही क्या कहलाता है? मालव का दुआब। और वैसे मालवा प्रदेश हाड़ौती प्रदेश को ही बोलते हैं, लेकिन मालव का दुआब अपने घग्गर के दुआब को मालव का दुआब कहा जाता है। नेक्स्ट, सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, विराटनगर, सीवी या बेराट। देखो सीवी जनपद की यहां पर आपसे राजधानी पूछिए कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो सीवी जनपद की राजधानी की बात करें तो मध्यमिका थी। और बेराट की सभ्यता भी याद रखो, बेराट की सभ्यता जयपुर जिले में है और किस नदी के ऊपर है? तो बाणगंगा नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? बाणगंगा नदी के ऊपर है। और बेराट की सभ्यता जो है ये बाबरू शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है बाबरू शिलालेख के लिए बेराट की सभ्यता प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट, सूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? इसके सूरसेन जनपद के अंतर्गत अलवर भरतपुर, कोटा बूंदी, भरतपुर धौलपुर करौली या जयपुर जैसलमेर। सूरसेन जनपद के अंतर्गत जो है वो कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे ये आपको यहाँ पर बताना है। सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र? अलवर वाला तो मत्स्य था, कोटा बूंदी भी नहीं है, जयपुर जैसलमेर नहीं है, मतलब इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा भरतपुर धौलपुर व करौली। नेक्स्ट, चौहानों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? गटियाला, बिजोलिया, किरातू या सामोती अभिलेख। देखो चौहान वंश की अगर अपने जानकारी की बात करें तो चौहान वंश की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो बिजोलिया शिलालेख 1170 है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया गया है। और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान ने सांबर कस्बा बसाया था, सांबर झील का निर्माण करवाया था। इस बात की जानकारी का मेन स्रोत बिजोलिया शिलालेख ही है 1170, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला गया है। नेक्स्ट, चीरवा का शिलालेख किस शासक के शासन की राजधानी मिलती है? राव रतन सिंह, रावल समर सिंह, रावल जेतर सिंह या फतेह सिंह। चीरवा शिलालेख, चीरवा शिलालेख के बारे में जानकारी किस राजा के शासनकाल की मिलती है? तो चीरवा जो शिलालेख है ये रावल समर सिंह, रावल समर सिंह ये इसका सही उत्तर रहेगा, रावल समर सिंह। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित करना है, लेखक है और ग्रंथ है। चलो जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सुमेलित करके इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा ये आपको यहां पर बताना है। अब देखिए, जियानक पृथ्वीराज विजय है, पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर है और श्यामल दास वीर विनोद है। यानी कि 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट, असुमेलित है, सभ्यता है और स्थान है, पचमता राजसमंद, रेड टोंक, ओजियाना जयपुर, उदयपुर और नगरी उदयपुर। कौन सा असुमेलित है वो आपको यहां पर बताना है। असुमेलित जो है उसका आपको यहां पर से उत्तर बताना है। देखो कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों में। और आगे के क्वेश्चन अगर हम देखें करण जी के से संबंधित है, और पहला जो क्वेश्चन है वो अपना आर्थिक समीक्षा है दिया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया है कि प्रचलित कीमतों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में कितनी रही है, तो हमें राइट आंसर देना है। तो देखिए हमारे अगर प्रचलित कीमतों की बजाय अगर हमसे पूछता स्थिर कीमतों पर, क्या पूछता? स्थिर कीमतों पर अगर पूछता तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर जो होता वो होता हमारा 81,231। ये होता हमारा राइट आंसर अगर स्थिर कीमतों पर पूछता तो। लेकिन उन्होंने पूछा प्रचलित कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है 135,218, 1,35,218
तो बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन में। और आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिको के द्वारा। किसके द्वारा? रिको के द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहां विकसित किया है? जो विकसित किया गया है राजस्थान के अंदर, अगर हम देखें तो ये विकसित किया गया है राजस्थान के जोधपुर जिले में। राइट आंसर क्या रहने वाला है? जोधपुर रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। पूछा गया क्वेश्चन है कि 5000 की अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव शहर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, वे किस महापुरुष के नाम से खोले जा रही है? अगर देखिए 5000 से अधिक की आबादी गांव में और शहरों में, गांव और शहरों के अंदर, तो गांव में भी 1000 और शहरों में भी 1000, कुल अगर देखे तो 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। और ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं ये किनके नाम पे खोले जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी। क्या रहने वाला है? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। और अगर हम बात करें बजट 2021-22 की, बजट 2021-22 की, तो बजट 2021-22 में 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे। और 1200 इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले गए थे वो किसके नाम पे खोले गए थे? महात्मा गांधी के नाम पर खोले गए थे। बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यह हुआ है बजट 2022-23 में राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को कितने यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा की गई है? तुम्हारे राजस्थान का जो बजट आया, बजट 2022-23 23 फरवरी 2022 को आया। कब आया? 23 फरवरी 2022 को। और इसी के तहत राजस्थान सरकार ने कहा कि प्रति माह 100 यूनिट उपभोग करने पर, प्रति माह 100 यूनिट उपभोग करने पर 50 यूनिट जो है वो क्या रहेगी? फ्री रहेगी या निःशुल्क रहेगी। और प्रति माह 100 से ज्यादा यानी कि 150 यूनिट तक का उपभोग करने पर 3 रुपए प्रति यूनिट क्या रहेगी? छूट रहने की घोषणा की गई है। और अगर हम देखें 300 यूनिट प्रति माह के उपभोग करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट छूट देने की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार ने की है। और 300 से अधिक प्रति माह के उपभोग करने पर आयकर स्लैब के अनुसार छूट देने की जो घोषणा की गई है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। तो प्रति माह जो है वो कितने यूनिट निःशुल्क है? 50 यूनिट। बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह हुआ है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर बजट 2022-23 में कितनी कर दी गई है? तुम्हारे राजस्थान का बजट 2022-23 आया। और ये क्वेश्चन अगर हम देखें राजस्थान पुलिस में आया था, सांख्यिकीय निदेशालय वाले क्वेश्चन में आया था, प्रयोगशाला सहायक में भी ये क्वेश्चन आया था, तो अभी हाल ही में काफी चर्चा में है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की अगर हम बात करें जिसमें जो सहायता राशि है वो 5000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक है। कितने? 5000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता जो है वह दी जाती है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता होने पर वित्तीय जो सहायता दी जाती है वो वित्तीय सहायता किस योजना के तहत दी जाती है? तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और 2 करोड़ से बढ़ाकर अगर हम देखें तो ये राशि कर दी गई है कितनी? 5 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड जो दिया गया है वो अवार्ड दिया गया है हमारे, अगर हम देखें तो राजस्थान के डॉक्टर जीएस मेनारिया को। किसे दिया गया है? जीएस मेनारिया को दिया गया है। और जीएस मेनारिया की अगर हम बात करें तो जीएस मेनारिया जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले से है। कहां से है? राजस्थान के जयपुर जिले से है जीएस मेनारिया जी। और इन्हें विज्ञान दिवस पर रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं। किस जिले के रहने वाले हैं? जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं। और अगर हमसे ये पूछ ले कि ये किससे संबंधित है तो ये संबंधित है खड़ताल से। किससे संबंधित है? खड़ताल से संबंधित है। और खड़ताल वादक और हमारा राइट आंसर रहने वाला है गाजी खान बरना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में।
और क्वेश्चन संख्या में दिया हुआ है सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। सौर ऊर्जा की जब बात आती है तो सौर ऊर्जा जो नीति आई थी वो सबसे पहली सौर ऊर्जा नीति आई थी अप्रैल 2011 में। पहली कब आई थी? अप्रैल 2011 में आई थी। और वर्तमान की बात करें तो 17 दिसंबर 2019 को आई थी सौर ऊर्जा नीति। तो सौर ऊर्जा नीति की अगर हमसे पूछे कि सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, 17 दिसंबर 2019 को आई थी। और ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। सौर ऊर्जा के उत्पादन में अगर हम देखें तो राजस्थान देश में एक नंबर पर है, राजस्थान एक नंबर पे। बात करते हैं सौर ऊर्जा की, और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? एक नंबर पे है। और अगर हमसे पूछे कि राजस्थान में सोलर पार्क, क्या पूछे? सोलर पार्क अगर पूछे तो सोलर पार्क है बड़ला, और बड़ला कहां है? जोधपुर के अंदर, बड़ला जोधपुर में। और बड़ला जोधपुर की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, और वो भी होता है 2245 मेगावाट। तो सबसे ज्यादा 2245 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ एक नंबर पर अगर कोई है तो वह बड़ला जोधपुर। अगर हमसे पूछे विद्युत स्टेशन, क्या पूछे? विद्युत स्टेशन अगर पूछे तो विद्युत स्टेशन है अपना गोरम घाट। कौन सा है? गोरम घाट, जो पूर्णतः किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है। और अगर पूछे कि सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो हवाई अड्डा कौन सा है? तो हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा। और सांगानेर अगर हम देखें पूछे तो कहां है? जयपुर में। अगर पूछे कि सौर ऊर्जा से संचालित फ्रिज, तो फ्रिज है बालेश्वर में। कहां है? बालेश्वर जोधपुर में। एटीएम अगर पूछे तो एटीएम है मनोहरपुरा। कहां है? मनोहरपुरा। और ये सभी के सभी जो है वो किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है। और विद्युतीकृत अगर गांव पूछ ले, क्या पूछ ले? सौर ऊर्जा से संचालित है विद्युतीकृत गांव, तो नया गांव। और नया गांव अगर पूछे कहां है, तो जयपुर में है। और सौर ऊर्जा संयंत्र अगर पूछे, क्या पूछे? सौर ऊर्जा संयंत्र अगर पूछे कि कहां लगाया गया, तो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था मंथानिया में, और मंथानिया है कहां? जोधपुर के अंदर है। अगर हमसे पूछे कि पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत, पीएम कुसुम योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये लगाया गया था बालोजी गांव में, और बालोजी गांव है कहां? जयपुर के अंदर है। और दूसरा लगाया गया था गढ़सी सर के अंदर। और सोलर वाटर हीटर पूछे, सोलर वाटर अगर हीटर पूछे, जहां 55,000 से लीटर ज्यादा गर्म जल किया जाता है, वो है पिल्लाणी। और पिल्लाणी कहां है? पिल्लाणी है झुंझुनू के अंदर। और सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र पूछे, प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र अगर पूछे तो दूरदर्शन रिले केंद्र है रावत बाटा। और रावत बाटा कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और सौर ऊर्जा से संचालित मिलक चिलिंग प्लांट अगर पूछे, मिलक चिलिंग प्लांट अगर पूछे तो वो कहां है? भरतपुर के अंदर है। कहां है? भरतपुर के अंदर है। खारे पानी से मीठा पानी बनाने का जो संयंत्र लगाया गया, खारे पानी से मीठा पानी बनाने का संयंत्र, मीठा पानी बनाने का संयंत्र अगर हमसे पूछ ले तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बालेरी। और बालेरी कहां है? चूरू जिले में। बालेरी कहां है? चूरू जिले के अंदर है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान जो है वो देश में एक नंबर पर है। राजस्थान में एक नंबर पर अगर पूछे तो जोधपुर है। बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है श्री अरविंदो एंड द लिटरेरी रेनेसा ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर प्रसिद्ध सिंह। क्या रहने वाला है? डॉक्टर प्रसिद्ध सिंह रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा में राजस्थानी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार से पूछा गया है, बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है कृति शर्मा। और अगर हम बात करें इनकी रचना तो पाणीरा रुखाड़ा। क्या है? पाणीरा रुखाड़ा। और अगर यही क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया होता कि युवा पुरस्कार बाल की बजाय अगर युवा पुरस्कार अगर पूछा होता कि युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो युवा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है हिमांशु वाजपेयी को। किसे प्रदान किया गया है? हिमांशु वाजपेयी को प्रदान किया गया है। और हिमांशु वाजपेयी का
कहानी संग्रह अगर पूछे, क्या पूछे, कहानी संग्रह अगर पूछे तो कहानी संग्रह जो रहेगा वो रहेगा हमारा किस्सा किस्सा, क्या रहेगा, किस्सा किस्सा हमारा ये राइट आंसर रहने वाला। और अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछते, अगर पूछते कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है मिठेश निर्मोही को। किसे किया गया है, मिठेश निर्मोही को किया गया है। और मिठेश निर्मोही की कविता का अगर पूछे तो कविता जो है वो है मुक्ति, मुक्ति के लिए, मुक्ति कविता के लिए। और मिठेश निर्मोही की अगर हम बात करें तो यह है राजस्थान के जोधपुर जिले, कहां से संबंधित है, जोधपुर जिले से संबंधित है। तो ये हमारे आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, जो यूट्यूब चैनल में पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।